और कोई कर ले, हाउ इज KIIT भाई साहब, सबसे बड़ी स्लाइड ही इसकी, स्लाइड ही इसकी बनी है। KIIT कॉलेज थोड़ी ना, अपने आप में स्टेट नाम दे देना चाहिए उसको। पता है कितना बड़ा है वो, इंडिया के अंदर एक स्टेट की और जुड़ाई हो गई है, इस स्टेट के अंदर इतने सारे कॉलेजेस हैं भाई साहब, भाई भरा पड़ा है, मतलब मैं दिखाता हूँ तुम्हें अभी, अपने आप में वो एक स्टेट है, राइट। वो कौन सी मूवी थी, चेन्नई एक्सप्रेस थी क्या, यहाँ मतलब कहाँ गया वो, लगभग कुछ वैसी सी कहानी है। देख रहा हूँ इतनी बड़ी स्लाइड है, अभी तक 2% अपलोड हुआ है, मतलब बाकी सारी ऐसे अपलोड होती हैं। अभी इसका 10-20 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, राइट, अपने आप में ये साउथ का एक तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भाई, ज़्यादा नहीं, बस 6,000 एकड़ का है। 6,000 पता है कितना होता है, NSIT 150 है, IIT दिल्ली 300 समथिंग है, 350 है, JNU आई गेस IIT दिल्ली से थोड़ा बड़ा है, 400, ये 6,000 है। सबसे बड़ी IIT पता है तुम्हें कौन सी है, शायद खड़गपुर है ना, वो भी 2,000 एकड़ समथिंग है, ये उससे 3 गुना और बड़ा है बस। तो तुम्हें साइज दिख गई इसकी, मैं जब बोल रहा था अपने आप में एक छोटा स्टेट है ये। मतलब इसमें तुम एक, इसमें फर्स्ट डे में, फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस होता है कि एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच के दिखाओ, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में यही सिलेबस है आपका। सेकेंड में होता है चलो बीच में जंगल में छोड़ देंगे, अब निकल के दिखाओ, राइट। सो दिस इज द, काफी सारे आपके कोर्सेज हैं इसमें, मैनेजमेंट, लॉ, रूरल मैनेजमेंट, फैशन, फिल्म स्टडीज, जर्नलिज्म, स्कल्प्टिंग, पंडित कैसे बने, शादी कैसे करें, सारे कोर्सेज हैं इसके अंदर, आपको जो बनना है वो कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ कुछ रिजर्वेशन है इस कॉलेज के अंदर भी, आपको कट ऑफ वगैरह आपको दे रखी है, KIIT का अपना ही अलग एग्जाम होता है। अच्छी बात यह है शायद इनके पैसे नहीं लेते ये फॉर्म के, विच इज गुड, शायद जितना मेरे पास इनपुट आया था, आई माइट बी रॉन्ग, ये शायद अपने फॉर्म के पैसे नहीं लेते, शायद अच्छी बात है भाई, अपने 5,000 रुपये बच गए, राइट। फिर ये इनकी इनकी कुछ कुछ कट ऑफ है जिन भी इनके एग्जामिनेशन होता है, इनके नोटेबल अलुमनाई नेटवर्क में यार आपको ये सारे बंदे मिल जाएंगे, दूती चंद है, इंडियन एथलीट हैं, मतलब बहुत सारे बंदे हैं यार, पर हमने सिर्फ 3 ही लगाए। हॉस्टल रूम वगैरह हैं, AC भी मिल जाएगा, नॉन AC भी मिल जाएगा, ठीक है, सभी मिल जाएगा, समझ रहे हो ना, 6,000 एक कड़े अलॉट। ये इनके रूम है, इंजीनियर्स के जॉब लगने के बाद ऐसे कमरे नहीं होते रेंट वाले, समझ रहे हो, जो इनके हॉस्टल है। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये तो ऐसी नॉर्मल है, ये भी ऐसी नॉर्मल है, ये पिंक। आदित्य तेरा एडमिशन हो गया क्या IIT में, हमारी हमारे प्लस क्लास में एक बच्चा है आदित्य, तो वो होते नहीं साउथ दिल्ली वाले बॉयज, साउथ दिल्ली बॉयज, पिंक और मजेंटा पिंक, हॉट पिंक, इन सब के बीच में जिन्हें डिफरेंस पता हो तो उसमें मजे लेते हैं पिंक कलर से। ये कुछ 2-4 बच्चे जो वहाँ पे पढ़ते हैं भाई, भरा पड़ा है 2-4, मतलब 2-4 हज़ार बच्चे, ठीक है। काफ़ी सारी आपकी मैस है, खाने की कमी नहीं मिलेगी आपको, काफ़ी बड़े बड़े फेस्ट होते हैं, ठीक है, सब आ जाएंगे यार, समझ रहे हो ना। प्राइवेट कॉलेज जो है, जो बेसिक जो भी अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है ना, वो अपने कल्चरल फेस्ट पे बहुत पैसा फूंकते हैं, तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को ले आएंगे, यस। सो ये सारा सीन इनका रहता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में यार सारी मिलेंगी, ठीक है, 2-4 स्पोर्ट्स तो ऐसे भी डाल रखे हैं जिनका अभी इन्वेंशन नहीं हुआ है, चीज़ समझ में आ गई, वो अभी 2-4 साल बाद इन्वेंट होंगे। लाइब्रेरी 24/7 खुलती है, फीस कितनी है इसकी, रुक फीस देख लेते हैं, फीस आ गई, डाली होगी भाई कहीं तो, आगे डाली होगी, इज इट वर्थ अ विजिट है। मतलब आस पड़ोस में है ना, तुम्हें ये चीज़ में ले जाएंगे, मतलब कॉलेज पार करने के बाद अगर जान बच जाती है तो 70 किलोमीटर दूर तुम्हें पूरी बीच मिलेगा, बीच मिल जाएगा, और चिल्का लेक, चिल्का लेक तो तुमने पढ़ा भी होगा, ज्योग्राफी के अंदर आती है अपनी, 6ठी से 12वीं पढ़ी है ना तुमने, सॉरी 12वीं तक तो नहीं पढ़ी, 6ठी से 10वीं UPSC एस्पिरेंट्स 11वीं 12वीं में भी पढ़ोगे तो तुम्हें चिल्का लेक के बारे में पता चलेगा, राइट। ग्रेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बॉयज को फॉर्मल शर्ट एंड पैंट पहननी पड़ती है, गर्ल्स को सलवार, आए ओ तेरी भाई साहब, ऐसी तैसी कर दी सारे मूड की, सलवार कमीज पहननी पड़ती है भाई साहब, कैसा लग रहा है तुम्हें, मूड अच्छा हुआ खराब हुआ, अभी मैं इतना अच्छा मूड में था, निक्कर पहनना है मुझे, गर्मी लग रही है मेरे को, मेरे को तो ड्रेस कोड देख के गर्मी लगने लग गई है, तुझे नहीं लग रही, मैं इमेजिन कर रहा हूँ गर्मियों का टाइम में पैंट पहन रखी है, फॉर्मल शर्ट, सलवार कमीज,
रिसर्च अपॉर्चुनिटी ओके ओके इतनी अच्छी नहीं है, NITs, IIITs जैसे लोअर हैं उससे थोड़ा सा, कल्चरल फेस्ट वगैरह आपकी सारी चीजें देख रखी है, मैं फीस देख लेता हूँ उनमें से। एक बच्चा पूछ रहा है हाईएस्ट पैकेज 30 लाख, एवरेज पैकेज 6 लाख है, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज की यार डेफिनेशन तो मैंने बताई थी, जिन लोगों की प्लेसमेंट लगती है उनका एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। अब फीस कहाँ है, ये रही फीस मिल गई देख, KIIT के 19 से 20 लाख रुपए लेते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, तुम्हारे SRM तुम्हारा 17 से 18 लाख लेता है। यहाँ पे हमने 4 ईयर्स ऑफ हॉस्टल प्लस ट्यूशन प्लस लिविंग सारे खर्चे मिला दिए, क्या चीज समझ में आ गई, हॉस्टल वॉस्टल सबका खर्चा मिला के तुम्हारा 19 से 20 लाख पड़ेगा, फील आ गई अगर तुम्हें यही पूछना था तो। SRM का भी मैंने लिख दे ऊपर, वो 17 से 18 की रेंज में आता है। बिट्स पिलानी का पूछोगे वो 20 लाख लेता है, अगर 5 साल की डिग्री है तो 24-25 लाख हो जाता है लाइक, पर बिट्स पिलानी में एजुकेशन लोन लेना वर्थ इट सा लगता है मेरे को, ठीक है, क्योंकि तुम जॉब लेके तो निकाल ही दोगे लोन, है ना, तो मतलब अगर तुम्हारा पिलानी में अच्छी जगह हो रहा है तो ले लेना फिर, ठीक है। हाँ बिट्स पिलानी तो अपना यार टॉप प्राइवेट बेस्ट इंडिया बेस्ट IIIT हैदराबाद ही है फिर, अगर आप प्राइवेट, अबे हट क्यों नहीं रही है स्लाइड, अच्छा लास्ट स्लाइड थी, सॉरी माई बैड, लास्ट स्लाइड के आगे कहाँ जाएगा। TIT का 14 से 15 लाख होता है, ठीक है।